8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए हुए मतदान की घोषणा आज 11 फरवरी को हो चुकी है और दिल्ली की जनता के दिल में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपनी जगह बना ली है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में प्रचंड बहुमत के साथ 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज रही और केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खाते में केवल 8 सीटें गिरी हैं। आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने बरसों दिल्ली पर राज किया, इन चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। हमारी DID न्यूज की टीम ने विजयी रही आम आदमी पार्टी के कई प्रत्याशियों से बातचीत की, आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोतीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिवचरण जी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से देखा जा रहा है रुझान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ है और लगभग जीत तय है, क्या लगता है कि किन मुद्दों पर जनता ने आपको वोट किए हैं? 72 साल का इतिहास है कि आज तक पूरे देश में किसी भी सरकार ने जनता के हित में कार्य नहीं किया। ये पहली सरकार जिसने जनता के हित में कार्य किए। 24 घंटे बिजली, सबसे सस्ती बिजली, पानी, और आपके स्कूल प्राइवेट की तरह, और प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी, और गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल प्राइवेट की तरह, बस यात्रा महिलाओं को फ्री, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को फ्री, ये अभी तक भी किसी और राज्य में नहीं हो पाया। तो जनता को पहली बार एहसास हुआ है कि हमारे जो टैक्स का पैसा वापस जनता को मिला, और आज तक जनता से निचोड़ा गया है। जनता को आज तक कभी रियायतें नहीं मिली, कभी उनके हित में फैसले नहीं हुए। तो पहली बार ही जनता ने देखा कि पहली बार सरकार जनता के हित में काम कर रही है, और उसी का नतीजा है ये कि अब आपके सामने है कि मुझे लगता है कि अपर 70/70 सीटें भी दिल्ली में आ सकते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि मोतीनगर विधानसभा में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है BJP के, JP नड्डा और गृह मंत्री हमारे यहाँ पर आए थे, और लग रहा था कि BJP चुनाव जीत सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो क्या कारण है इसके पीछे? उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव गया, लोगों ने उसको चुनौती रूप में लिया कि आप विकास की बात नहीं कर रहे और आप नरगल बातों में लगे हुए हैं। जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है। जनता ने पिछले 18 साल से BJP शासित MCD है, और करीब 5.5 साल से सेंटर में हैं, जो कि कोई भी कार्य जनता देख नहीं पाई, और उसी का परिणाम था कि जनता ने पूरी तरह से BJP को नकार दिया और आपकी कांग्रेस हाशिए पे आ गई। तो आगे लगता है कि अब जनता चाहती है काम हो, अभी काम की राजनीति चलेगी, अब वो झूठे वायदों पे नहीं चलेगी। सर, जैसा कि हम जानते हैं BJP समर्थक जो लोग हैं वो दिल्ली की जनता को मुफ्त खोर बोल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुफ्त खोर आप कैसे बोल सकते हैं बताओ? यदि कोई जनता टैक्स का पैसा जनता को टैक्स के रूप में वापस मिल रहा है, यदि मुफ्तखोर बोलते हैं फिर तो हमारे जितने भी सांसद हैं वो सबसे बड़े मुफ्तखोर हैं। फिर तो सबसे पहले तो मैं जनता से, पहले जो हमारे सांसद हैं पहले वो अपनी मुफ्तखोर छोड़ दें, फिर जनता को आप कहें। मात्र 200 यूनिट बिजली मिलती है पर मंथ में, और उनको मिलती है 4000 यूनिट, तो मुफ्तखोर बनूंगा। तो सारी बातें आपको देखते हुए जनता को एक बहकाने की, बहलाने की जो कोशिशें थी, अब जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चुनावी मुद्दा जो है काम का मुद्दा है, अरे काम पे अब आगे सरकारें चलेंगी, जो काम करेगा जनता उसका साथ देगी, और जो काम नहीं करेगा जनता उसको धुतकार देगी। ये पहला इलेक्शन है जो काम पे लड़ा जा रहा है। थैंक यू सर। अलीपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गिरीश सोनी जी। गिरीश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में जीत लगभग लगभग तय है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल, मैंने कहा जिस तरह से अभी दूसरे मीडिया वाले भी ये बात का जिक्र कर रहे थे, दिल्ली में जो वोट पड़ा है वो विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट पड़ा है, और दिल्ली की जनता समझती है कौन दिल्ली का भला चाहता है, कौन दिल्ली के अंदर विकास कर रहा है, और कितना विकास हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, बिजली में, पानी में, बस यात्राओं में, CCTV कैमरे, वाई 10 क्षेत्र की सेवाएं, इतना काम दिल्ली में किया है, उस काम को देखकर लोग बोलते हैं।
से राजेश जी, राजेश जी से बहुत बारी मिल चुके हम और बहुत अच्छा काम करते हैं सर। बहुत सारा फासला जो वोटों का देखने में मिला है, क्या लगता है कि जनकपुरी की जनता ने या दिल्ली की जनता कहिए किन मुद्दों पर वोट दिया है? जनता ने इस बार विकास पे वोट दिया, क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ, लोगों को पानी नहीं मिलता था, पानी मिला, सड़कें मिली, सीवर लाइन मिली, लोगों ने जो सोचा था उससे ज़्यादा उनको दिया गया। आने वाले समय में बहुत कुछ उनके नए काम है वो करेंगे, कुछ पुराने काम पेंडिंग है उनको करेंगे और क्षेत्र का जो विकास हुआ उसको और विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये जनता की जीत है, जनकपुरी की जनता ने बड़ी मेहनत की, उनकी जीत है। मेरे कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने दिन रात मेरे साथ लगाया और बड़ी मेहनत के साथ इस काम को किया। अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत करने के लिए, मुझे वोट दिलवाने के लिए दिन रात लगे रहे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके परिवार का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने उनको समय दिया कि जाओ लड़ो लड़ो और अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करो, मैं उनका भी धन्यवाद सर। हम क्या कहना चाहेंगे अगर आप जीतते हैं तो? अगर मैं जीती तो एरिया में काम करवाएंगे, हम डेवलपमेंट करवाएंगे, जो पहले काम नहीं हुए और वो काम करवाएंगे, और जो हमारी हरियाणा विधानसभा की जनता है उसका हर काम करवा के और पूरे चहुमुखी विकास करवाएंगे। मैं पहले लग रहा था कि बीजेपी 15 सीटें ले पाएंगी लेकिन अभी 62 सीटें हो गई है आम आदमी पार्टी की, क्या कहना चाहेंगे? कभी भी नहीं लग रहा था हमारे को तो ऐसा कि बीजेपी इतनी सीटें ले पाएगी। लोगों को काम पसंद है, लोगों को काम चाहिए था, ये हमारे को समझ आया पिछली दो टर्म के अंदर। लोगों को अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए, लोगों को अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, लोगों को लड़ाने नफरत फैलाने वाली पार्टी, नफरत फैलाने वाली सरकार नहीं चाहिए और दिल्ली के लोगों ने आज बखूबी इस चीज़ को बता दिया है अपनी वोट के रूप में। सर लड़ाई कितनी टफ थी क्योंकि देखा जा सकता है कि रक्षा मंत्री गृह मंत्री तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में लगे हुए थे। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूँ देश बीजेपी के जो अध्यक्ष अमित शाह जी का, रक्षा वो भी मेरी विधानसभा में आए, बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए, बहुत सारी बहुत बड़ी गिनती में सांसद आए बीजेपी के, गृह मंत्री आए और बहुत धन्यवाद करता हूँ इन सबका। और आके इन्होंने जो बोला, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया बखूबी। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पेंशन इतनी बढ़ा देंगे और इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे तो लोगों ने इमीजिएटली रिएक्ट किया और बोला जी पहले अपने स्टेट्स में करके दिखाओ। तो दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमिता जैन जिनको ये पूरा चुनाव का ये जो देखने का मौका मिला है। मैम आप बताइए कि क्या लगा आपको कि किस तरह से सुचारू रूप से चल रहा है और कुछ दिक्कतें तो नहीं आई हैं? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मैं नोडल ऑफिसर ट्रेनिंग एंड नोडल ऑफिसर मीडिया एंड कम्युनिकेशन मैंने देखा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा माहौल है। हमारी जो DEO है नेहा मैडम बहुत ही पॉजिटिव हैं और SDM इलेक्शन दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा पूरा इलेक्शन टीम का, सारे ROs बहुत अच्छे हैं, हम सबने मिलके बहुत ही एक फ्रेंडली वे में और बहुत सुचारू ढंग से काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार अपनी जीत के बाद जनता का धन्यवाद देते हुए उन्हें संबोधित किया। भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। दिल्ली वालों गजब कर दिया आप लोगों ने, आई लव यू। दोस्तों मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। यह दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। ये हर उस परिवार की जीत है
जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा, वोट उसी को जो सस्ती बिजली देगा, घर घर को पानी देगा, हमारे मोहल्ले में सड़क बनवाएगा। दोस्तों, ये एक नई किस्म की राजनीति है, एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है। ये देश के लिए बहुत शुभ चीज है, ये देश के लिए बहुत शुभ संदेश है। और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। ये केवल दिल्ली के लोगों की जीत नहीं है दोस्तों, ये हमारी भारत माता की जीत है, ये पूरे देश की जीत है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सकें। मैं सभी दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की और मेरे परिवार ने, उन्होंने भी खूब लग के मेहनत की, उन्होंने खूब सपोर्ट किया। आज मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है, मैंने तो केक खा लिया, आप सबको भी खिलाएंगे अभी, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने को अब दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से, अपने परिवार ने बड़ी उम्मीदों से इतनी सीटें दी है, अब अपने को अगले 5 साल खूब मेहनत करनी है ना, सब मिलके करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। सब लोग तैयार हैं? भारत माता की।